है, स्विच प्लेट कैसे लगाते हैं, उसकी ज्वाइंट जो है कहाँ मारते हैं, ज्वाइंट कहाँ पे दी जाती है, वो पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे पीछे ये देख रहे हैं ना, ये स्विच, ये सॉकेट देख रहे हैं। चलिए इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी ज्वाइंट कहाँ पे देनी चाहिए, बोर्ड में क्यों नहीं ज्वाइंट देनी चाहिए, इसकी क्या वजह है। चलिए वीडियो देख, मेरे भाई ये अभी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर ये सॉकेट आया हुआ है। ये देखिए, इसकी हमने ज्वाइंट मार के यहाँ पे, ये देखिए टू वे बटन है, यहाँ पे इसको हमने दे दिया। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सॉकेट है, स्विच और सॉकेट है, देख रहे हैं। इसमें एक अर्थिंग है, एक फेस है, एक न्यूट्रल है, देख रहे हैं ना। अब तीन न्यूट्रल यहाँ पे आया था, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट मार के यहाँ पे डाल दिया, इसलिए कि इसमें जो है टर्मिनल में ज़्यादा जो है ट्रैफिक ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये इसी जो है करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड इसके अंदर जो है कि स्पेज रहता है, जगह रहती है, तो ये आराम से जो है कि शॉर्ट सर्किट का टेंशन नहीं रहता है। ये देख रहे हैं, ये थ्री वे स्विच है, ये तीन हाफ है, इसका हम कनेक्शन मारेंगे, लाइट चालू करने के बाद फिर टेस्टिंग करके इसका जो है कनेक्शन मारेंगे। तो बेस्ट आइडिया तरीका यही होता है। अब ये पूरा जो है कि अभी मैं देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेलीफोन और डिश का हो गया, यहाँ पे भी देखिए हमारा दो न्यूट्रल आया था, तो दो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट इसमें नहीं डाला हुआ, देख रहे हैं ना, सिंगल ही न्यूट्रल आया। क्यों? क्योंकि इसमें डालने का मतलब जो है कि क्या होता है, जो नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे ये न्यूट्रल है, चलो इसको यहाँ पे डाल दें। इसको डालने से मान लीजिए दो न्यूट्रल यहाँ पे डाल दिए, कल को ये आपकी जल गई, तो इसमें से जब तार आप खोलेंगे तो ये भी आपकी जो है सॉकेट बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे ज्वाइंट मारने से क्या होता है कि यहाँ पे ये आपकी जल गई, इसको निकाल दीजिए, ये भी जो है सॉकेट आपकी बंद नहीं होगी। इसका मतलब सही तरीका यही चीज़ है, ये नहीं कि हर जो है कि तीन तार आया तो तीनों तार ये टर्मिनल में डाल दें, नहीं, ज्वाइंट मार लीजिए, ज्वाइंट मारने के बाद एक तार यहाँ पर डालिए। कि मेरे दोस्तों, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो हमारा देख रहे हैं, ये छत में जहाँ जहाँ भी पॉइंट गया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक जो है बोर्ड लगा दिया है, पूरा जो है कि हर जगह का तार यहाँ पे आके ज्वाइंट हो गया है। ज्वाइंट होने के बाद जो है सिर्फ नीचे न्यूट्रल और फेस और अर्थिंग और हाफ वायर नीचे उतरा, बाकी जहाँ जहाँ से कनेक्टिंग तार था उसको हमने यहाँ पर ज्वाइंट मार दिया। ये जो है कि बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि नीचे जो स्विच प्लेट होता है, स्विच बोर्ड होता है, उसमें जो है ट्रैफिक नहीं होती है, उसमें जगह होती है, तो शॉर्ट सर्किट होने का टेंशन नहीं रहता है, समझे मेरे दोस्तों। अब ये देख लीजिए, ये आपका बेडरूम है, ये बीच में जो है आपका बेड आ जाएगा, उधर भी हमने थ्री पिन सॉकेट दिया होगा, इधर भी हमने थ्री पिन सॉकेट दिया। चलिए मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमने ये थ्री पिन सॉकेट, ये यूएसबी है, आप इससे मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हैं, लाइटिंग भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है ना, बेड के पास जो है सॉकेट देने से क्या होता है कि कल को जो है कि आप यहाँ पे बेड लगाए, आप यहाँ पे सोए हुए हैं, आपको मोबाइल चार्ज करनी है, तो आपको जो है यहीं पर बेड के पास में ही ये चीज़ मिल जाती है। कि मेरे दोस्तों, अब इसके ऊपर ये देखिए हमने लाइट दिया हुआ है, इधर जो है लाइट आएगी, देख रहे हैं ना। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा सिस्टम जो है, ये अच्छा तो सिस्टम है। और यहाँ पे भी एक सॉकेट हमने दिया हुआ है, यहाँ पे सॉकेट देने से क्या है कि यहाँ पे भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, लैंप हो गया या कुछ भी हो गया, ये सब चीज़ों के लिए। अभी ये देखिए, ये हमने तीन डब्बी या खड़ी डब्बी लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर उसका जो है यहाँ से और यहाँ तक जो है कबाट उसका आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए दो स्विच है, ये देखिए दो वाली स्विच है ना, देख रहे हैं ना, दो वाली में ओनली तीन तार आया, एक फेस दो हाफ, देख लीजिए पूरा डब्बा इधर खाली है, शॉर्ट सर्किट का कोई टेंशन नहीं। इधर देखिए, इधर सिंगल बटन है, देख रहे हैं ना, इधर सिर्फ देखिए सिर्फ दो तार आया है, एक फेस एक न्यूट्रल, और ये जो है नीचे, ये जो है ये देखिए हमारी थ्री पिन ये सॉकेट है, देख रहे हैं ना, फेस न्यूट्रल अर्थिंग तीन तार आया। ये देखिए यहाँ पर कितना तार गया था, फेस में तीन तार, तो हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन मार दिया। तो ज्वाइंट मारने से यही होता है कि कल को आपको ये स्विच ख़राब हो जाए, ये सॉकेट ख़राब हो जाए, तो ये सब जो है लाइट बंद आपकी नहीं होगी, ये चीज़ होता है। तो मेरे भाई कभी भी कनेक्शन करें ऐसे ही करें, ओके। ये देखिए, ये हमारे नदीम साहब फेस को फेस में ज्वाइंट मार रहे हैं, ये देखिए ज्वाइंट मारने का बेस्ट तरीका ये है, देख रहे हैं ना।
ये बेहतरीन तरीका है। ये देखिए ज्वाइन लग गया, अभी इस पर हम टेपिंग कर देंगे। जितना भी फेस आया हुआ है इसमें ज्वाइन मार देंगे, जहाँ भी लूपिंग हुआ है, और जो है सिर्फ सिंगल तार जो है सॉकेट के टर्मिनल में हम लोग लगाते हैं। तो काम ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि एक सॉकेट ख़राब हो तो उसको चेंज करने में दो तीन लाइट बंद ना हो। और टेपिंग जो है बहुत ज़रूरी अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं ना। ये देखिए ये न्यूट्रल हमारा जा रहा है। ये देखिए हमारा छिलके रेडी हो गया। अब इसके अंदर भी जो है हम कुछ यूँ छीलेंगे। ये देखिए हमारा तार ये भी छिल गया। अब इसको इसके ऊपर रख के टी ज्वाइंट इसको मार देंगे। ये देखिए इसको टी ज्वाइंट बोलते हैं। पूरा ये टेपिंग, इसको भी अच्छी तरह से टेपिंग कर देंगे। ये नहीं कि टेपिंग करने का मतलब ये कि जहाँ पे आप छीले हैं उसी के ऊपर मारें, नहीं, थोड़ा दूरी से उसको मारें, जगह लेकर मारें। देख रहे हैं टेपिंग जो है एकदम बेहतरीन फर्स्ट क्लास ये हो चुका है। ये हमारा न्यूट्रल और फेस ये कंप्लीट हो चुका है। इधर भी देखिए, देख रहे हैं ना, ये अर्थ का अर्थ में ज्वाइंट हो चुका है। ये देखिए, और ये न्यूट्रल न्यूट्रल में हो चुका है, और ये फेस फेस में। अब इधर ओनली हमारा तीन तार आया, न्यूट्रल फेस अर्थिंग। अब अर्थिंग देने का मतलब ये होता है ना कि कभी भी जैसे बारिश हो गई, बिजली तड़क रही है, तो ये सब चीज़ से आपकी कोई भी चीज़ लगी हुई है वो शॉर्ट सर्किट नहीं करेगी, वो जलेगी नहीं। और अर्थ से क्या होता है कि आपकी कोई भी जैसे वाशिंग मशीन हुई, फ्रिज हुई, उस पर किरण नहीं आता। ये सीधे किरण जो है ज़मीन में अर्थ के द्वारा ये सीधे ज़मीन में चला जाता है। तो कभी भी जो है थ्री पिन सॉकेट दें, उसमें न्यूट्रल जो है न्यूट्रल तो रहता ही है, अर्थिंग भी जो है ज़रूरी दें। देख रहे हैं ना, कभी भी इससे क्या होता है, देखिए बोर्ड आपका बोर्ड एकदम खाली है, देख रहे हैं ना। इधर तीन तार एक न्यूट्रल, ये थ्री वे स्विच है। ये देखिए 1 2 3, ये तीन वे स्विच है, तीन हाफ एक फेस आया, इधर न्यूट्रल फेस आ गया। तो ये बोर्ड आपका एकदम खाली है, इसके अंदर पूरी जगह होती है। और जो है कि ये ऊपर जो है हम लोग ये ऊपर जो है पूरी ज्वाइंट दे देते हैं। देख रहे हैं पूरा न्यूट्रल ऊपर ज्वाइंट हो गया। तो ये सबसे अच्छी आइडिया है। ये नहीं कि आप जो है कि न्यूट्रल पूरा जितना तार आया है सब तार बोर्ड में ला के उसको ज्वाइंट मारते, नहीं, ऊपर एक बोर्ड बनाइए। बोर्ड बनाने के बाद जितनी ज्वाइंट है सब ऊपर रख दीजिए, सिर्फ नीचे जो है जो तार जो लाइट पॉइंट होता है और एक न्यूट्रल एक फेस एक अर्थिंग, बस यही उतारे, बाकी सब ऊपर छोड़ दें। ओके मेरे दोस्तों।